अजमेर से खबर है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के नए सचिव का पदभार ग्रहण, मेघना चौधरी ने संभाला बोर्ड सचिव का पदभार। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। रीट मामले में अरविंद सेंगवा को निलंबित किया गया था और अब मेघना चौधरी को सौंपा गया है सचिव का चार्ज। ये तस्वीरें मेघना चौधरी, और अब अगर मीडिया से मुखातिब होती हैं, क्या कुछ कहती हैं, ये देखना होगा, ये सुनना होगा। लेकिन सचिव का पदभार ग्रहण अभी अभी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के नए सचिव के रूप में उन्होंने ग्रहण किया है। और मीडिया से अगर मुखातिब होती हैं, क्योंकि मीडिया यहाँ पर मौजूद हैं, तो वो क्या कुछ कहती हैं, क्या उनके आगे के कार्य रहेंगे, चुनौतियाँ क्या होंगी, पता कर लेंगे कि अभी तक क्या स्थिति है, किस स्टेटस पर है। नो डाउट सबसे इम्पोर्टेंट तो गोपनीयता है प्रश्न पत्रों की, तो गोपनीयता बरकरार रखने के लिए जो भी स्टेप्स हमें उठाने पड़ेंगे वो करेंगे हम। पेपर जो छपने हैं वो भी गोपनीय है, जो प्रेसेस हैं जो रिलायबल प्रेसेस हों उनसे छपाएं, तो इससे रिलेटेड जो भी वर्क होगा अब हम टेकअप करेंगे। आपके जस्ट जैसे रूबरू हों इसके जस्ट बाद में हम लोग मीटिंग करने वाले हैं एंड आई जस्ट टेक द फीडबैक ऑफ ऑल ऑफ देम। मेरा सीधा सवाल है मैम कि जो ऑलरेडी पेपर तो बहुत महीने पहले ही तय हो जाते हैं, सब छप जाते हैं, सीक्रेसी में चले जाते हैं, अध्यक्ष सचिव जो भी होते हैं वो कर, अब वो दोनों नहीं है जी। तो क्या हम वो जो पुराना उनका जो सेट पैटर्न में उन्होंने जिस भी कंपनी को प्रेस को दिया है जी। वो हम लोग कंटिन्यू करेंगे या रिफ्रेश करेंगे, रिफ्रेश करेंगे तो क्या डेट आगे बढ़ेगी? देखिए अभी तो मुझे ये भी नहीं पता है फिलहाल कि जो पेपर्स हैं वो बन गए हैं, पेपर दे दिए गए हैं या नहीं दे दिए गए हैं। ये तो अभी जस्ट पूरा एक्सपीरियंस दो, आपको मालूम है कितने महीने पहले चले जाते हैं, मार्च नेक्स्ट। तो अभी जस्ट मैं आई हूँ, अभी मैं देख लेती हूँ कि किसने बनाए हैं पेपर्स, कैसे बने हैं पेपर्स। गोपनीयता निश्चित तौर पे हम बरकरार रखेंगे जिस भी तरह से हम मेंटेन हो सके। मैम मैं तो एक जानकारी चाह रहा था, जैसे आप पहले भी सचिव रही हैं और बोर्ड परीक्षाओं के पेपर कहाँ कहाँ रखे जाते हैं, और अभी इस तरह के जो प्रकरण हुए हैं उसमें आप क्या सोचती हैं, कहाँ रखे जाए इसको और कैसे जो है सुरक्षित रखा जा सकता है, गोपनीयता रखी जा सकती है? देखिए जो प्रश्न पत्र हैं हमारे जो जिलों के अंदर ट्रेजरीज हैं वो आई थिंक सेफेस्ट प्लेस है जहाँ पर वो रखे जा सकते हैं, और जिसके अंदर जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद रहता है और उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेते हैं वो, और अच्छे से प्रश्न पत्रों की सुरक्षा हमेशा ही रखी गई है, तो वैसा ही आगे भी कार्यक्रम रहेगा। रीट 2022 भी डिसाइड हो चुका है, ऑलमोस्ट सीएम साहब घोषित कर चुके हैं, उसको लेकर भी क्या आगे? बस दो का एक्सपीरियंस ऑलरेडी है, आई नो जो डेट्स डिसाइडेड हैं उसके ही उसको ही मानते हुए हम अपनी तैयारी आगे शुरू करेंगे, और आगे जैसा होगा फिर गवर्नमेंट से बात करके जो भी हमारी कार्य योजना होगी वो हम बना लेंगे। लेकिन अभी इट इज़ टू अर्ली टू से एनीथिंग, क्योंकि आई हैव जस्ट जॉइंड, आई हैव जस्ट साइंड द पेपर, सो आई टेक मीटिंग एंड जस्ट लेट यू नो। एक हफ्ते बाद फिर